हेलो कैसे आप सभी लोग, द पॉलिटिकल मास्टर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 11th के ज्योग्राफी यानी भूगोल का कंप्लीट सैंपल पेपर जो है सॉल्व करने वाले हैं, और जो आप सभी एग्जाम जो वार्षिक परीक्षा 2024 में क्वेश्चन आने वाले हैं वो इसी प्रकार से आएंगे। सो प्लीज़ एंड तक जरूर देखिएगा, कंप्लीट वीडियो देखिएगा, और इसमें हम MCQ सॉल्व करेंगे। और साथ साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि इस तरह से आपको ज्योग्राफी से जो है सवाल पूछे जाने वाले हैं। टोटल 30 क्वेश्चन आप सभी से पूछे जाएंगे, 70 नंबर का आपका पेपर है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्लेट मध्यवर्ती अमेरिका व प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है? तो उस प्लेट का नाम है कोकोस प्लेट। ठीक वैसे ही विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेट लाइज बिटवीन सेंट्रल अमेरिकन पैसिफिक प्लेट, वो है कोकोस प्लेट इंग्लिश मीडियम में भी। तो इसका जो है डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, निम्नलिखित में से भूगोल की कौन सी शाखा मौसम तथा जलवायु के तत्वों के अध्ययन से संबंधित है? तो मौसम, भूगोल की कौन सी शाखा मौसम और जलवायु के तत्वों के अध्ययन से संबंधित है उसको हम कहते हैं जलवायु विज्ञान, यानी सी इज राइट आंसर। और इसी प्रकार से क्लाइमेटोलॉजी, विच ऑफ द फ्लोइंग ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी इज रिलेटेड टू स्टडी ऑफ एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट्स, तो सी इज राइट आंसर, क्लाइमेटोलॉजी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्नलिखित में से कौन सी दशाएं भौम जल अपरदन के लिए आवश्यक हैं? तो वो दशाएं जो भौम जल के लिए अपरदन के लिए आवश्यक हैं उसे, उस दशा की अगर हम बात करें तो उसे कहा जाता है प्रागम में कम सघन व अधिक रंध्र वाली चट्टाने। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन आर नेसेसरी फॉर ग्राउंड वाटर इरिजन, वह ए पेम्बल थिनी बेडेड एंड हाईली ज्वाइंटेड क्रैक्स रॉक्स। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर, दक्षिणी चीन सागर में चक्रवात को किस नाम से जाना जाता है? तो दक्षिणी चीन सागर में चक्रवात को किस नाम से जाना जाता है, तो उसे कहा जाता है टाइफून। क्या कहते हैं? टाइफून। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नेम इन द साइक्लोन इन द साउथ चाइना सी इज नोन टाइफून, बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर फाइव, निम्नलिखित में से कौन सी क्षोभ मंडल की विशेषता है? तो क्षोभ मंडल की विशेषता कौन सी है? तो उसमें क्षोभ मंडल की जो विशेषता है क्वेश्चन नंबर फाइव वो है आपका सी, यानी सबसे नीचे का संस्तर विश्वत वृत्त पर अधिक मोटाई, ऊंचाई के साथ तापमान में कमी, यानी लोअर मोस्ट लेयर ग्रेट थिकनेस एट इक्वेटर टेम्परेचर डिक्रीज विद हाइट, राइट सी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सिक्स, निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृतिक प्रक्रिया अनाच्छादित नहीं है? वो कौन सी प्रक्रिया जो है वो अनाच्छादित नहीं है? तो वह है पटल विरूपण व ज्वालामुखीयता, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग ज्योग्राफिक प्रोसेस आर नॉट ट्रेडिशनल, तो वह है आपका क्वेश्चन नंबर सिक्स का बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेवन, दिए गए पर्वतीय वनों की वनस्पति को उत्तर से दक्षिण की ओर उचित क्रम व्यवस्थित करें। तो पर्वतीय वन को उत्तर से जो है उचित क्रम के रूप में हमें व्यवस्थित करना है सेवन का। तो सबसे पहला अगर सेवन के उचित क्रम की अगर हम बात करें तो आएगा सबसे पहले ओक, फिर चीड़, फिर स्प्रूस, फिर पाइन, यानी सी इसका जो है सेवन का बी इज राइट आंसर। तो इसी प्रकार देखिए, अरेंज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ वेजिटेशन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ फॉर द गिवन माउंटेन्स फॉरेस्ट, तो इस बी ओक, चीर, स्प्रूस एंड पाइन्स। भारत के निम्नलिखित राज्यों को मानसून निर्वर्तन क्रम के अनुसार व्यवस्थित करें, तो इसका जो सही आंसर एट का क्वेश्चन नंबर ए, यानी सबसे पहले राजस्थान, उसके बाद आएगा आपका गुजरात, देन उड़ीसा, उसके बाद तमिलनाडु, राइट। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए। क्वेश्चन नंबर नाइन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए व सही विकल्प का चयन कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर नाइन का जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर नाइन का ए, वो सही केवल एक से, यानी हिमालय की नदियां बारहमासी हैं, ये केवल वर्षण पर निर्भर है, तो ए इज़ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर इसी प्रकार से इसी का भी हुआ ए, ओनली स्टेटमेंट इज करेक्ट, नाइन का ए ओनली स्टेटमेंट इज ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर टेन, कथन पश्चिमी तटीय मैदान एक संकीर्ण पट्टी है और कालड़ी मैदान जलमग्न है, तो इसका जो सही आएगा क्वेश्चन नंबर टेन का जो सही आएगा वह आपका है सी, दोनों सही हैं, और कथन एक कथन की जो कि उचित व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर टेन भी सेम है इंग्लिश वर्ड में भी, तो वो आएगा बोथ आर करेक्ट, राइट। क्वेश्चन नंबर 11, उत्तरी भारत के विशाल मैदान में मानसून विच्छेद होता है, तो उत्तरी भारत के विशाल मैदान में मानसून विच्छेद होता है तो किससे होता है, इसका जो सही वो केवल कथन सही है, यानी उसने जो है यहाँ पर देखिए केवल कथन सही माना जाता है यहाँ पर, तो 11वें का जो है आएगा आपका ए। 11th के निम्नलिखित में से कौन सा सही उगम है, तो यहाँ पर देखिए
उड़ीसा की राजधानी अगर हम बात करें तो 12वें का उड़ीसा के सही कौन से गुम गलत है, तो उड़ीसा बिल्कुल सही है, भुवनेश्वर। छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें 12वें का, जो छत्तीसगढ़ जो है जो वो है रायपुर है, ना कि रांची है, तो बी इसी गलत है। नागालैंड कोहिमा और अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, तो ये सही है, तो बी जो है गलत है, क्योंकि छत्तीसगढ़ जो है रायपुर है राजधानी उसकी, रांची झारखंड की है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 12 का भी बी इसी तरह से आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा गुम सही है, तो क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, आद्र पर्णपाती वन शीशम दिया हुआ है, कांटेदार वन महुआ दिया हुआ है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन खैर दिया हुआ, पर्वतीय वन दिया गया महोगनी, तो कौन सा युगम सही है, तो 13वें का जो सही आंसर वो है केवल आद्र, ए इज द राइट आंसर, आद्र पर्णपाती वन जो है वो शीशम से संबंधित है, 13वें का ए आएगा, ठीक है, 13वें का ए। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज मैच करेक्टली, वह मोस्ट ट्रॉपिकल जो है आपका आएगा ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन से भारत के प्रमुख बाढ़ग्रस्त हैं, तो भारत के प्रमुख बाढ़ग्रस्त अगर हम बात करें वो स्टेट है, तो है असम, बिहार और पश्चिम बंगाल मोस्ट है, असम, बिहार, वेस्ट बंगाल। विच ऑफ द फॉलोइंग आर हाई फ्लड प्रोन स्टेट ऑफ इंडिया, डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर जो है आपको यहाँ पर के सी सी डी पढ़नी है, उसका आंसर दे रहे हैं, देखिए 15 में जो क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर इसको पढ़ के आप बताइए, तो निम्नलिखित में से भूकंप किस प्रकार की आपदा है, तो भूकंप जो है किस प्रकार की आपदा है, तो भूकंप जो आपदा है वो है अपूर्व सूचनीय व विध्वंसक प्रकृति का आपदा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 इसी प्रकार से डी। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से भूकंप की उत्पत्ति का मुख्य कारक कौन सा है, तो भूकंप की उत्पत्ति का जो मुख्य कारक है वो क्या है, विवर्तनिकी, यानी टेक्टोनिक प्लेट से जब आप ऊपर नीचे होते तो उससे भूकंप आता है, अर्थक्वेक आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र हिमालय चाप के भूखंड सूबे क्षेत्र में सम्मिलित हैं, तो क्वेश्चन नंबर 70, तो क्वेश्चन नंबर 70 का जो सही आंसर है वह है ए, यानी जम्मू कश्मीर व असम, ए इज़ द राइट आंसर, तो वो है जम्मू कश्मीर एंड असम, ए इज़ द राइट आंसर। तो ये है आप सभी का जितने भी एमसीक्यू हमने यहाँ पे कवर किए हैं, तो ये इसी प्रकार से आपका सेक्शन बी पूछा गया है, 2 नंबर वाला क्वेश्चन है, ये कहा है अनुच्छेद संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, तो ये अनुच्छेद से संबंधित क्वेश्चन है सेक्शन बी में, तो इस तरह से आपको अनुच्छेद पढ़ना है और इसके क्वेश्चन का आंसर दे देना है। क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए, निम्नलिखित चित्र का परिवेक्षण कीजिए और दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 19, तो देखो उपयुक्त दिए गए चित्र की जो है उपयुक्त दिए गए चित्र की पहचान कीजिए और नाम लिखिए, तो ये क्या है, यह है यहाँ पर अगर हम बात करें जलोढ़ पंख, क्या है ये जलोढ़ पंख है ये, ठीक है। और दूसरा है उपयुक्त स्थलाकृति किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो ये पाई जाती है गिरिपद व मंद ढाल वाले इलाकों में, यह स्थलाकृति किस आकार में बनी हुई है, तो शंकु आकृति है, किसकी है, शंकु आकृति है, राइट। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 20 फिर 21 22 लघु हिमालय की किन्हीं 3 विशेषताओं को लेकर जो है पूछा गया है, तो लघु हिमालय ऊंचाई जो है इसकी 1000 से लेकर 2000 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई जाती है, और ब्रिटिश शासनकाल में आकर्षण का केंद्र हुआ करता था, इसी तरह शिवालिक और दून इसकी 2 प्रमुख चोटियाँ हैं, इस तरह से जो है आपसे ज्योग्राफी में क्वेश्चन पूछा जाएगा। बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए उठाए जाने वाले कदमों की व्याख्या कीजिए, ठीक है। सेक्शन जो है सी है आपका, इसमें 5 नंबर क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्वेश्चन नंबर 24 25, इधर संघनन क्या है, ओस के बनने हेतु आवश्यक दशा का वर्णन कीजिए, वन्य प्राणियों की संख्या कम होने के मुख्य कारण स्पष्ट कीजिए, और यहाँ पर देख सकते हैं भारत में मानसून वर्षा की किन्हीं 5 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इसी प्रकार से जो है क्वेश्चन पूछा गया मानचित्र से, देखिए सिंपल तरीके से मैप में आपको राजस्थान की राजधानी क्या है, तो जयपुर है राजस्थान की राजधानी। सुंदरवन जीव मंडल कहाँ पर पाया जाता है, तो सिमलीपाल, कहाँ पर है, सिमलीपाल में। इसी प्रकार से प्रायद्वीप भारत में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, तो प्रायद्वीप भारत में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाला क्षेत्र अगर हम बात करें तो है केरल। अत्यधिक सूखा वह है राजस्थान, अत्यधिक सूखा है राजस्थान। कावेरी नदी कहाँ बहती है, ठीक है, तो कावेरी नदी की अगर हम बात करें तो कावेरी नदी जो है वह है ब्रह्मगिरी, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है मिजो श्रेणी कहाँ पर है, तो मिजो श्रेणी उत्तराखंड में, उत्तराखंड में है। नंदा देवी जय मंडल कहाँ पर है, नारकोक में, ठीक है, नंदा देवी। इस तरह से आपसे पेपर में मैप पूछा जाएगा। तो अभी हमने जितने भी क्वेश्चन थे 35 क्वेश्चन जो हमने 30 क्वेश्चन आपको सभी क्या कर दिया है, एक्सप्लेन कर दिया है।
और इस तरह ही आपके फाइनल एग्जाम में ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछेंगे। तो आप सभी से विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप इसी प्रकार से क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा। चैनल पर नए तो ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसे लगी। और अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो मैं गारंटी कहता हूँ कि आराम से 70 में से 60 नंबर आपके आने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।